तो पिवट टेबल के ऑटोमेशन के लिए पहले कुछ डेटा ले लें हम। ठीक है, ये डेटा आ गया हमारे पास। मान लीजिए इससे कोई पिवट बनाना है मुझे, ठीक है, इसको मैं शीट का नाम देता हूँ डेटा। ठीक है, शीट का नाम दे दिया डेटा। सबसे बेस्ट तरीका रहता है रिकॉर्ड करके करो। इससे पहले मैं ऐड इन हटा देता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं पिवट का। डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो, एक पिवट लगा देते हैं, ठीक है, तो इसमें नेम, सिटी और सेल्स। मान लीजिए कि ये पिवट मुझे तैयार करनी है हर बार, है ना, उस डेटा से। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैक्रो में जाओगे ये आ जाएगा आपका, एडिट में चले जाओगे तो इसके अंदर आ जाएगा ये रिकॉर्ड हमारा, ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ हमें ना इन सब चीज़ों में चेंज करना होता है, ठीक है। एक एक कोड मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि क्या करने के लिए होता है कैसे। अब जैसे इसका मैक्रो का नाम मैं PT डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला जो है कोड है ये क्रिएट वाला है, एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैशे डॉट क्रिएट। सोर्स टाइप एक्सेल डेटा बेस रहेगा, सोर्स डेटा, ये डेटा कहाँ से लेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कर सकते हो कि अपना एक कस्टम रेंज बनानी है, अपने आप डेटा ले ले, ठीक है। तो डेटा शीट से लेगा, तो मैं इसको करता हूँ कि पहले जो है डेटा सिलेक्शन में लेके सिलेक्शन डॉट एड्रेस उसको दे दे, या फिर ऐसा कर सकते हैं डिमार एज रेंज, ठीक है, रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, चलो रो ले लेते हैं, लास्ट रो ऐसे ले लेते हैं, डिम एल रो एज लॉन्ग, ठीक है। तो हमें जनरली पता रहता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि A1:D, डी तक है डेटा, ज़्यादा होगा आई तक है, आई आई इसके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं एल रो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा उसका हो गया पिवट टेबल का नाम। पिवट टेबल का नाम क्रिएट करने के बाद जो होता है वो नाम ये हो जाता है, और डिजाइन एनालाइज, ये पिवट टेबल का नाम है इधर, ठीक है। ऑफलाइन कैसे हो गए, हाँ ठीक है।
तो ये पिवट टेबल का नाम है, ये हमें ध्यान रखना होता है, वही पिवट टेबल का नाम यहाँ आना चाहिए, ठीक है। बाकी टेबल वर्जन यहाँ तक ठीक है। एक्टिव पिवट टेबल, टेबल डेस्टिनेशन, ये वो होता है कि कहाँ पे ये पिवट टेबल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेल का नाम देना होता है, जनरली A3 होता है वो, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये जो एक्टिव वर्कबुक पे आया है, क्रिएट कर रहा है जिस शीट में, शीट देखते हैं कि कौन सी शीट में क्रिएट कर रहा है, सोर्स ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें वो डालना पड़ेगा कि किस शीट में हमने पिवट लगवाना है। तो मैं एक शीट बनाता हूँ, ये पिवट की शीट है, पिवट, ठीक है। इसके A3 में हमेशा बनाए। तो शीट्स डॉट पिवट डॉट एक्टिवेट, ठीक है। पिवट टेबल की शीट एक्टिव हो गई, फिर ये एक्टिव शीट से A3 वही ले रहा है ना। थर्ड रो थर्ड वन सिलेक्ट, ठीक है, ये हो गया। इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, रेंज A3, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पिवट क्रिएट करने के लिए हो गया। अब इसके बाद जो हम अलग अलग फील्ड जो ऐड करते हैं ना, देखो रो में हमने ऐड करी थी पिवट टेबल का नाम, पिवट की कौन सी फील्ड आनी है, ठीक है, ओरिएंटेशन उसको कहाँ पे रखना है, एक्सेल रो फील्ड में रखना है, पहली पोजीशन पे रखना है, दूसरी पोजीशन पे रखना है, ठीक है। इसी तरह से ये सिटी फील्ड, सिटी कहाँ आएगी, कॉलम फील्ड में, पोजीशन क्या रहेगी, पहली पोजीशन, ठीक है। उसके बाद जो हम वैल्यू में डालते हैं, जो आपने यहाँ डाली है वैल्यू में, तो यहाँ पे हम डालेंगे पिवट टेबल एट डेटा फील्ड, एक्टिव शीट डॉट पिवट टेबल, पिवट टेबल का नाम आ जाएगा, पिवट टेबल की फील्ड कौन सी है, उसका नाम क्या रहेगा और क्या फंक्शन करेगी, सम करेगी, एवरेज करेगी वो, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस शीट को, तो ये पिवट अभी डिलीट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैक्रो चलाता हूँ, डेवलपर रन आ गया सेम, हाँ पिवट में नहीं आया क्योंकि हमने इसमें न्यू शीट ऐड करा रखी कहीं, क्या एक्सेल डेटा बेस डेट वर्जन क्रिएट पिवट टेबल, टेबल डेस्टिनेशन, टेबल डेस्टिनेशन जब हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये हो जाता है। तो मैं इसमें टेबल डेस्टिनेशन में यही दे देता हूँ कि कहाँ जाना है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं एक बार, ये किया रन, पिवट शीट पे आ गया, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर हम पिवट पहले क्रिएट कर चुके हैं और मैं अगर दोबारा से जाके ये चीज़ करता हूँ तो वो मैक्रो क्लैश होगा, क्योंकि क्रिएट कर नहीं पाएगा, पहले से ही पिवट टेबल मौजूद है ना। पहले हाँ, तो पहले आपको पुराने वाले हटाना होगा, तब आप वो क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो पुराने वाले को हट, किसी पर्टिकुलर शीट में करवा रहे तब ऐसा होगा ना, अगर हम किसी पर्टिकुलर शीट पे ना करवाएं तो बाद में नहीं। हाँ हाँ हाँ, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जैसे इसका थोड़ा सा वो चेंज करना है, जैसे इसके साथ में नेम के साथ में प्रोडक्ट भी आ जाए, ठीक है, तो ये रो फील्ड में ही मैं प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ, यही वाला कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये पोजीशन उसमें मैं 2 दे दूँगा, ओरिएंटेशन वही रहेगी,
पिवट टेबल की फील्ड कौन सी है, प्रोडक्ट, पोजीशन टू रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हम बढ़ाते चलेंगे, डेटा फील्ड में कोई पोजीशन नहीं आती, वो इसी तरह बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, तो मैक्रो रन ये आ गया, ठीक है। और इसका वो व्यू चेंज करना होगा, सब कुछ रिकॉर्ड करके मिल जाएगा, जैसे कि मुझे इसका वो टेबल लेआउट में करना है ना, तो रिकॉर्ड कर लो, और इसमें मुझे करना है पिवट में गया मैं ए डिज़ाइन में, रिपोर्ट शो टेबलर व्यू, ठीक है, मर्ज इन सेंटर करना है, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना नेक्स्ट वीक एक बार और ट्राई करना, ठीक है। वो नेक्स्ट का पंगा है वो तुम्हारा, इसलिए ऑफलाइन होगा। कौन सा वाला आवाज मेरे को देखने दो, क्या हो रहा है, आ तो रही है मेरे यहाँ से, पता नहीं, चलो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, तो हमने व्यू चेंज कर लिया, और इसके बाद पिवट टेबल ऑप्शन मार्जिन सेंटर कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। एक डिज़ाइन भी अप्लाई कर देता हूँ, ये डिज़ाइन जिसमें रो हेडर्स नहीं करने हैं मुझे, बैंडेड रो बैंडेड कॉलम चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने ये फॉर्मेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जाके डेवलपर में स्टॉप कर देता हूँ। अब इसमें हमने काफ़ी काम इकट्ठे किए हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किया क्या है इसने, जो बेकार है देखो ये नहीं चाहिए। रो एक्सिस लेआउट एक्सेल टेबलर रो पहचान में आ रहा है, ये मर्ज लेबल आ रहा है पहचान में, ठीक है, टेबल स्टाइल समझ में आ रहा है, रो हेडर फॉल्स होने हैं, शो टेबल स्टाइल स्ट्रिप्स ट्रू ट्रू, यहाँ स्क्रॉल नहीं चाहिए, स्क्रॉल हमने जो स्क्रॉल बार खींची थी ना उसका कोड आ गया था बस, तो मेजर जो कोड मारे हमने वो ये थे। इसको उठा के आपने क्या चीज़ बदलने वाली दिख रही है इसमें, टेबल का नाम अगर हो तो, ठीक है, तो इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे या नीचे, हाँ हाँ रिप्लेस चलता है, करंट मॉड्यूल में करना है, ये देखो फाइंड रिप्लेस में करंट प्रोसीजर में चलना है, मतलब इसी मैक्रो में चेंज करना है तो पूरे मॉड्यूल में करना है, पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल है उसमें, तो फाइंड रिप्लेस आपका चलता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने करके देखनी है, इसको मैंने डिलीट कर दिया फिलहाल, इसको मुझे अनमर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट करता हूँ डेवलपर मैक्रो पीटी रन आ गया। अब सिंपल सी बात है, आप चाहते हो कि जैसे रिफ़्रेश होता है ना, रिफ़्रेश नहीं, आपने पूरा कोड ही कर दिया, हार्ड कोड कर दिया इसको, ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि जैसे ही इवेंट का थोड़ा सा यूज करके, कि जैसे ही मैं मतलब डेटा पे जाऊं, ये वाली शीट में
जाके वो इस तरह से पकड़ के इसको क्लियर कर दे, है ना, या रो गायब कर दे सिंपली, A1 से लेकर और A500 तक उड़ा दो, सीधा सीधा पिवट चला जाएगा, है ना। और जैसे ही हम बटन दबाएं अपने आप आ जाए। अब हम करेंगे यहाँ एक बटन डाल देंगे, क्रिएट पिवट, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, ये वाला हमने असाइन कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये होगा, ये बटन दबते ही पुराना पहले उड़ा देगा। पुराना उड़ाने के लिए क्या करेगा, ये जाएगा पिवट की, जैसे ही शीट एक्टिवेट होगी, बाकी कुछ लगाने से अच्छा है, रेंज A1:A500 500 तक या ज़्यादा जितना भी, डॉट एंटायर रो उठा लो, डॉट डिलीट, ठीक है। फिर इसके बाद कर दो रेंज A3:Select या एक्टिवेट करा दो, ठीक है, ताकि ऊपर ही रह कर सर ऊपर नहीं वैसे ना हो। तो जब भी मैं करूँगा ये रहा, है ना, जब तक आप देखोगे यहाँ पे वापस जाके, बस आपने ये बटन दबाना है, काम हो गया, ठीक है। इसमें आप, हाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है इसके अंदर, पूरा ही लगेगा ना ये हमेशा, और नीचे से हमेशा से रो पकड़ रहा है, ठीक है। मैं बढ़ाता हूँ विजय, ठीक है, ठीक है, ऊपर गया मैं। अब यहाँ देखोगे विजय आ गया, ठीक है। तो ये पिवट आसान है, बहुत आसान है, जो भी करना चाहो बड़े आराम से हो सकता है, ऐसे ही हार्ड कोड करके, बस आपने रिकॉर्ड करना है। हाँ, ऐसे ही चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पिवट चार्ट, स्लाइसर्स, सब कुछ रिकॉर्ड कर करके लगा सकते हैं। बस आपको कोड को समझना आना चाहिए कि आपने, अब ये देखो, अब ऐसा है, मैं इसको उस पे क्यों नहीं डालता कि लिखने में याद करने में बहुत सारा दिमाग ख़राब होगा, है ना, इतना बड़ा कोड आप याद करोगे बहुत टाइम लगेगा। सिंपल है, रिकॉर्ड करो, कॉपी पेस्ट चिपकाओ, जो मर्जी करो, सब मिल जाते हैं। कोड आपको दिख ही रहा है कि कहाँ क्या क्या है, चीज़ें आ रही हैं, आपने क्या अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, सिर्फ एक चीज़ करो और रिकॉर्ड करके देखो कि वो क्या कर रहा है, हर एक चीज़ का मतलब समझो, एक्टिव शीट क्या हो गया, पिवट टेबल के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पिवट टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर टेबल स्टाइल 2 करके इस तरह से एंट्री जा रही है, ठीक है। तो हम ये फिर टेबल स्टाइल रो हेडर, ये ट्रू फॉल्स करके इनकी सेटिंग जाती है, तो यही चीज़ करनी होती है, ठीक है। बस ये शीट वगैरह हमें काबू करनी होती है थोड़ी सी, इन्हीं का होता है। जैसे यहाँ से क्रिएट हुआ तो हमने एक तो रेंज बदल दी सोर्स डेटा की, और बाकी हमारे मतलब का कुछ नहीं था, हाँ डेस्टिनेशन जहाँ था, अगर यहाँ सिंपल इन्वर्टेड कॉमा डाल दोगे तो नई शीट में बना देगा, कोई डेस्टिनेशन दे देते हो तो वहाँ बना देगा, ठीक है। टेबल का नाम यहाँ से डिफाइन कर सकते हो या पहले से वेरिएबल में दे सकते हो, और ये कोड चलता है साथ में, और यहाँ पोजीशन ही चेंज होती है इनकी, ठीक है। पिवट हमारा, हाँ देखो क्या है ना, पिवट आपका जब भी चालू होता है ना,
नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ए थ्री पे ही लगता है ना हमेशा, ये देखो हमेशा पिवट आपका नई शीट में कर रहे हो तो ए थ्री पे ही जाएगा, इसलिए मैंने वो दिया। अब इसका यूज पता है किस जगह कर सकते हैं, पिवट का नाम ही मत लो तुम यहाँ पे, सीधा यहाँ पे लिख दो क्रिएट रिपोर्ट। हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं ना मोस्टली पिवट ही होता है, पर कई बार क्लाइंट को ये चीज मालूम नहीं होती है। हम क्या करते हैं, बस इसको जाके ना हम क्या करेंगे कि ये जो है ना इसको लास्ट में ले जाएंगे कोड, सब कुछ करने के बाद डॉट एंटायर रो डॉट कॉपी, ठीक है, रेंज ए वन से स्टार्ट हो रहा है वहीं पेस्ट मार दो ए वन। जब हम रेंज देते हैं ना तो पेस्ट स्पेशल लगता है, अगर खाली पेस्ट करना हो तो वो लगता है एप्लीकेशन डॉट पेस्ट लगता है। तो नॉर्मल पेस्ट जो है आपका पेस्ट स्पेशल से होता है, एक्सेल पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट वैल्यूज आ गया, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप चाहो तो इस रो को यहाँ से डिलीट करा सकते हो, फिर नीचे से आके फॉर्मेटिंग देनी है फॉर्मेटिंग करा सकते हो, है ना, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी करा सकते हो, बॉर्डर अप्लाई करने हैं, कलर अप्लाई करना है, यहाँ से बोल्ड करना है, तो सब तो ये इसमें हमें ये करना पड़ेगा ये, और यहाँ ऊपर मर्ज करके दे दो रिपोर्ट फॉर दम, किस चीज़ की रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट करा के ये रिपोर्ट के फॉर्म में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उनको बाकी आप अगर वैसे बनवाते हो फार्मूला फार्मूला बहुत लगाने पड़ेंगे, पर ये सबसे इजी तरीका है, फटाफट करा फॉर्मेटिंग कर दी काम ख़त्म, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमने पिवट यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन चीज़ थी जो इसमें मेरा बस यही कॉन्सेप्ट समझाना था। और यही चीज़ देखोगे चार्ट के अंदर तो चार्ट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ पेस्ट स्पेशल, इसको इसको कर देता हूँ कोड को कमेंट, और ये सब कुछ नहीं चाहिए, टैबलर रो तक कमेंट कर दिया, सिर्फ एक फील्ड चाहिए मुझे, ये भी रो में भी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ये भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बस नेम चाहिए और वो सम की फील्ड चाहिए, ठीक है। ये आ गया, चार्ट लगाना है, रिकॉर्ड करो और इसके नीचे एक्सटेंड करते जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ जाके पिवट चार्ट लगा दिया। सबसे बढ़िया है पिवट चार्ट यूज़ करना, क्योंकि इसमें चार्टिंग के ऑप्शन, आपको डेटा एकदम से बन जाएगा, चार्टिंग के ऑप्शन बना सकते हो, एड डेटा लेबल, ठीक है, और इसको इसी के ऊपर पटक दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देते,
चाहे तो उसके बगल में भी कर सकते हैं। अब ये देखो क्या है, एड चार्ट कॉलम क्लस्टर रेंज पिवट की रेंज है। अप्लाई डेटा लेबल और ये टॉप लेफ्ट ये जो भी है आ गया, इस कोड को मैं यहाँ दे देता हूँ। चार्ट चार्ट कॉल कर लिया बस मैंने, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है मुझे। इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि पता नहीं वो साथ में डिलीट हो कि ना हो। यहाँ क्या एरर आई, चार्ट वन। अच्छा, इसका नाम जो है ना वो कुछ अलग पड़ गया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और है। चार्ट टू है इसका नाम। तो या तो पहले हमने चार्ट टू थ्री इस तरह से इसका नाम पड़ जाएगा, या फिर एड चार्ट रेंज एक्टिव चार्ट एरिया। ये इंक्रीमेंट वाला छोड़ दो, वैसे चार्ट बन चुका है। इंक्रीमेंट वाले के लिए उसका नाम हमें लेना पड़ेगा, तो एक्टिव चार्ट डॉट नेम करके हम ले सकते हैं। यहाँ एक्टिव चार्ट डॉट नेम, ठीक है, ये आ गया। डॉट नेम ठीक है, अपने आप चल जाएगा अभी। द नेम वजन फाउंड पिवट चार्ट टू। अच्छा, पिवट चार्ट टू, चार्ट टू एक्टिव चार्ट साइज में देख लेते हैं इसका, कहीं और होगा। एक्टिव चार्ट डॉट इंक्रीमेंट डॉट लोकेशन में क्या है, एक्सेल लोकेशन ऑटोमेटिक। तो ये तो पिवट चार्ट नाम दे रहा है, और इसको है भी पिवट चार्ट ही, पर इसको रीड ये दूसरे नाम से कर रहा है। हालांकि वो तो मैं पिवट को हटवा भी दूंगा, ओके। इस पे मैं सब्स्टिट्यूट का फंक्शन लगा के काम तो कर सकता हूँ डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट गया, इसमें से पिवट स्पेस यहाँ से हटवा दिया मैंने, ठीक है, ये अपने आप देगा। और ये ब्रैकेट क्लोज,
आर्ग्यूमेंट नॉट ऑप्शनल. अच्छा इसका वो नहीं दिया ना, रिप्लेस किसके साथ करेगा. ये गया, चल गया. ठीक है, अभी और इधर आना है तो ये टॉप लेफ्ट लेफ्ट में 250 कर दूं. टॉप टॉप तो 75 तो आ रहा है. 300 कर दो, 350 कर दो, 100 इधर हो और कर दो. ठीक है, बस मतलब कैसे भी काम होना चाहिए. ठीक है, बाकी कोड में जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको इसमें आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सी रेंज से बना रहा है. चाहो तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं इसको. ठीक है, ये बेसिकली पिवट चार्ट या उससे मतलब नहीं है इसका, क्योंकि पिवट चार्ट का कोड दिखाया ही नहीं है इसने, है ना. इसने तो बस एक रेंज पे बनाया है, उसमें बटन बुटन लगा के. तो नॉर्मल चार्ट भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही चार्ट बने. ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से शेप्स डॉट एड चार्ट. ठीक है, छोड़ो मारो बोली. तो यही सब चीज़ें होती हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी पर प्रैक्टिस करनी है अलग अलग करके, क्योंकि शुरुआत में इनके साथ में दिक्कत बहुत आती है करने में. अभी जैसे इसमें क्या होगा, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना, अभी देखो मैंने डिलीट नहीं किया है, तो हो सकता है ये डिलीट ना हो. चलो हो गया, ठीक है ठीक है. तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है वैसे, कि मान लो आप डिलीट नहीं करवा पा रहे हो, तो किसी भी तरह से उसको अड़वाना है, तो वो कोड आपको लिखने पड़ेंगे. यही सब होता है कस्टमाइज करके, है ना. स्लाइसर लगाने हैं, स्लाइसर भी लगा सकते हैं इसमें. जैसे मैं अब उसको भी रिकॉर्ड कर लो कि साथ में स्लाइसर भी आ जाए. डिज़ाइन 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 पूरा का पूरा, मतलब चाहो तो डैशबोर्ड बनवा सकते हो इसमें. डिज़ाइन 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 नहीं, डेवलपर रिकॉर्ड मैक्रो मैक्रो यहाँ गया. इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर मैंने नेम है मेरा प्रोडक्ट पे कर दिया. ठीक है, इसको यहाँ सेट कर दिया और डेवलपर से स्टॉप, क्योंकि इतने ऑब्जेक्ट आते रहते हैं फिर आपको पता नहीं पड़ेगा कि क्या आया क्या नहीं आया. माइक्रोफोन एडिट ये रहा. ये वो पोजीशन है जहाँ पे ऐड हो रहा है. ठीक है, एक्टिव चार्ट पिवट लेआउट पिवट ले प्रोडक्ट एरर क्या दे रहा है. स्लाइसर कैशे ऑलरेडी एग्जिस्ट. Yeah.
इसमें एरर आ रही है, स्लाइसर कैशे ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक बार बन गया है तो दोबारा नहीं बनेगा, एक सेकेंड उड़ा देते हैं। स्टॉप, क्रिएट रिपोर्ट, अब लग गया पूरा, ठीक है। इसमें यह भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितना चाहो उतना कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, टेबल VBA।